आज हमारे पास ओल्ड आई ट्वेंटी आई हुई है, जिसमें स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है और हम इसको चेक करने के लिए आए हुए थे। तो ये स्टार्ट नहीं हो रही, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है इसके अंदर। और हमने जो इसके अंदर चेक किया है, चेक करने के बाद हमें इसमें जो दिखाई दिया, हमने इसके अंदर फ्यूज, रिले और ईशम, बैटरी की वायर, अर्थिंग, सारी ही चीज़ें इसके अंदर चेक करी, देखी, साफ़ की और उसके बाद भी इसके अंदर स्टार्टिंग प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई। तो लास्ट में हमने इसके अंदर पेट्रोल भी चेक किया, पेट्रोल भी नहीं आ रहा। अच्छा, और वो पेट्रोल ना आने का कारण वो भी हम बताएंगे क्यों नहीं आ रहा। और तो हम इसको शुरू करते हैं कि क्या कारण है इसके अंदर, हमने जो चेक किया क्या प्रॉब्लम आई, क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बताते हैं, जो ये मीटर के अंदर आप देख रहे हो, ये मीटर के अंदर जो चेक इंजन लाइट बिलिंग जो कर रही है, चेक इंजन लाइट जो इस तरीके की बिलिंग जो कर रही है, ये इसी की वजह से, इसी की प्रॉब्लम से नोट स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है। और ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से, ये सिर्फ चाबी ऑन ऑफ करने से ही बिलिंग कर रही है। ये देखिए, फिर हमने बंद करी चाबी, फिर ऑन करी और ये फिर बिलिंग करी, और ये हमारी चेक इंजन लाइट प्रॉपरली इसके अंदर शो नहीं कर रही, और जिसकी वजह से ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही। और हमने जो इसके अंदर चेक किया है, वो इस चेक इंजन लाइट के प्रॉपर से हमें जो पता चला है, वो इसके अंदर ये पता चला है कि इसका हमें ईशियम चेक करना होगा। और ईशियम चेक करने के बाद ही हम आपको इसमें बताएंगे कि ईशियम में ख़राबी है या किसी और चीज़ में ख़राबी है। तो हमें तो इसके अंदर ईशियम में ही प्रॉब्लम लग रही है, तो हम इसका सबसे पहले ईशियम चेक करेंगे, या ईशियम रिपेयर करेंगे, या ईशियम चेंज करेंगे, उसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस प्रॉपर और आगे की डिटेल जो भी शो होगी वो सारी हम आपको इसमें दिखाएंगे। और ये हमने ईशियम इसका खोल लिया है, और खोलने के बाद हमने इसको चेंज कर मंगा लिया है। हमें इस ईशियम में ही दिक्कत लगी और हमने इसको चेंज कर लिया है। चेंज करने के बाद अब हम इसको लगाने जा रहे हैं, लगाकर हम इसको फिर देखते हैं क्या ये क्या रिजल्ट देता है। और चलिए शुरू करते हैं, इसको लगा कर देखते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट करके तब हम आपको दिखाते हैं कि ये क्या रिजल्ट देता है, और हमारी जो चेक इंजन लाइट बिलिंग कर रही थी वो अब सही हुई या नहीं हुई, वो हम सारी इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और ये हमने इसमें ईशियम लगा दिया है, ईशियम लगा दिया है और हमने गाड़ी स्टार्ट भी कर दी है। और अब हम आपको इसमें दिखा देते हैं कि मीटर में कोई चेकिंग लाइट आ रही है या नहीं आ रही, जिस तरीके से पहले शो कर रही थी। अब देखिए, हमारे मीटर के अंदर कोई लाइट नहीं है, जिस तरीके से पहले जो चेक इंजन लाइट थी वो बिलिंग कर रही थी और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। वो चाबी वाली जो लाइट थी वो भी शो नहीं कर रही थी, जो ईशियम की लाइट होती है। और अभी हमारी गाड़ी स्टार्ट है, कोई लाइट शो नहीं कर रही इसके अंदर। और हम स्टार्ट दोबारा बंद करके स्टार्ट करके दिखा देते हैं। देखिए, सारी लाइटें आ गई और स्टार्ट, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।